वेलकम गाइस, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जैसा कि इसका नाम है कि ट्रांसलेशन, इसका मतलब अनुवाद से लेकर के ले सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट में क्वेश्चन छुपा हुआ है जो ऑलरेडी RPSC एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए पूरे वीडियो को देखना ना भूलें। इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही ओल्डेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है, सबसे पुराना मेथड है। इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इसको वहाँ पर पर्शियन मेथड के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स को लेकर के कर रहे हैं, तो एट दैट मोमेंट आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। और जैसा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नाम है तो इसमें ट्रांसलेट यानी कि अनुवाद की प्रोसेस होता है। जैसा कि आप लोग जब भी क्लास चैम्बर में आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं हिंदी मीडियम जितने भी स्कूल होती हैं, तो उसमें होता क्या है डेफिनेटली कि हम लोग देखते हैं पहले टीचर जो है वो रीडिंग मारता है, या यूँ कहें कि पैराग्राफ पढ़ता है, या यूँ कहें कि लाइन पढ़ता है, उसके बाद वर्ड टू वर्ड वर्ड हमें उसका मीनिंग बताते हैं। तो कहने का मतलब यही क्या है, हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये सबसे पुराना है इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। इसी को हम लोग क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो इसे हम लोग वहाँ पर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में किसके नाम से जाना जाता है, पर्शियन मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साइड में बेल आइकन का बटन बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो ही हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके जो ओरिजिनेटर कौन है या फाउंडर कौन है। तो देखिएगा, बात करें तो देखिएगा, शुरुआत में जिन्होंने यानी कि इसको जो लीड किया वो थे जॉन स्वीडन स्टिगर, कार्ल प्लॉट्स, H.S. ओलेन, जॉन मेडिंगर, यानी कि चार नाम है, किंतु ज़्यादातर एग्ज़ाम में या तो दो ही नाम दिए जाते हैं या ज़्यादातर जो फोर अल्टरनेट होते हैं एट दैट मोमेंट एक ही नाम होता है जो उपयुक्त होता है, मगर फिर भी चारों नाम हमें याद रखने हैं। बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि नाम दे दे, कोई सा भी नाम दे सकता है चारों में से, बट ज़्यादातर यही देता है, जॉन स्वीडन स्टिगर को लेकर के देता है और कार्ल प्लॉट्स को लेकर के देता है होल, मगर फिर भी हमें चारों नाम याद रखने हैं। तो चार नाम कौन से हैं, यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इस मेथड्स को लीड जिन्होंने किया वो उनके नाम हैं जॉन स्वीडन स्टिगर, कार्ल प्लॉट्स, H.S. ओलेन, जॉन मेडिंगर। ध्यान रखना जॉन जॉन दो हैं, एक जॉन स्वीडन स्टिगर, एक जॉन मेडिंगर। अब बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है लगभग कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो टीचिंग की यूनिट है वो कौन सी है। तो याद रखना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट जो होती है वो वर्ड होती है। मैंने बताया आपको अभी गाइस कि इसमें एक लाइन पढ़ती जाती है और बाद में एक एक वर्ड का अर्थ बताया जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है। दैट्स वाई द यूनिट ऑफ द टीचिंग इज वर्ड, राइट। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचिंग की जो यूनिट है वो वर्ड होती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस करता है रीडिंग और राइटिंग पर। इंपॉर्टेंट सवाल है, हम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला सवाल है ग्रामर जो किस पर तरीके से पढ़ाई जाती है, सवाल पूछा जाता है। तो ग्रामर को आप लोग याद सकते हैं GD से, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन में कैसे पढ़ाई जाती है, GD अर्थात ग्रामर डिटेक्टिवली रूप में पढ़ाई जाती है। और डिटेक्टिवली रूप को अगर विस्तारित करें तो इसमें पहले रूल्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद में प्रक्रिया चालू होती है, तो लैंग्वेज बाद में आते हैं, यानी कि रूल्स फर्स्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक इंडक्टिवली मेथड होता है डिटेक्टिवली। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर जो है वो डिडक्टिवली मेथड से पढ़ाई जाती है, अर्थात हम पहले रूल्स बताते हैं उसके बाद में उनको अप्लाई करते हैं। टू बी क्लियर गाइस, तो हम याद रख सकते हैं GD यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर कौन सा हो गया, D यानी कि डिडक्टिवली मेथड से, तो GD के नाम से हम लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ उन्हीं पॉइंट्स की चर्चाएँ की जा रही है जो RPSC एग्जाम में ऑलरेडी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो ग्रामर स्टोर्ड डिटेक्टिवली यानी कि, और पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मेथड ऑफ डिटेक्टिवली, देन द रूल फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड्स लैंग्वेज, राइट गाइज। फिर बात करते हैं, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा टीचर किस पर फोकस करता है कि लेसन या चैप्टर पढ़ाया
और लाइन पढ़ाई, वर्ड का ट्रांसलेट किया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इम्पेसाइसिस कौन सा होता है, इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है टेक्स्ट बुक की। और इसमें ग्रेमर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन अनुवाद समझ गए, तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस किसकी दी जाती है, मदर टंग की, यानी कि टारगेटेड लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, मदर टंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी वर्ड आपको सेंटेंस पढ़ाया, फिर एक एक वर्ड का ट्रांसलेट करके बताया, तो उसमें क्या वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं, और ट्रांसलेट किस में कर रहे हैं, मदर टंग में, क्योंकि इनका मानना है कि मदर टंग के माध्यम से इंग्लिश ईजी वे से सीखी जा सकती है, और स्टूडेंट्स का उसमें एक बॉन्ड अच्छा हो जाता है कि वो अपनी मदर टंग के प्रभाव से जल्दी सीखता है। तो देखिएगा, हमने पहले इसमें मेरिट्स ले लिया है, मैंने लास्ट में इसके प्रोसीड्यूर्स लिए हैं, तो पहले हम लोग मेरिट्स पढ़ते हैं और प्रोसीड्यूर्स जो है मैंने लास्ट में लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो तीन प्रोसीड्यूर्स हैं तो इसलिए मैंने लास्ट में लिया उसको। सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स की बात की जाए, इसकी फ़ायदे क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये रीडिंग को प्रमोट करता है, जिससे कॉम्प्रिहेंशन में भी हमें जो स्किल है वो डेवलप होती है, साथ ही स्टूडेंट्स की वोकअप को इंक्रीज करता है, साथ ही ये करें ओवर क्राउडेड क्लास चैम्बर में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा सकते हैं इस मेथड में, इनकी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठा लीजिएगा, क्योंकि टीचर को बोलना होता है, बाकी स्टूडेंट्स को लिसनिंग करना होता है, राइट गाइज। तो सिंपल सी बात आगे की रीडिंग पे स्ट्रेस देता है, तो स्टूडेंट्स को ईजी वे से पढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमिकल है और सेव द टाइम, टाइम की भी बचत होती है, एक साथ आप लोग 100-150 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो एक एक दो दो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो टाइम ज़्यादा आपका जाएगा, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो टाइम का सेव हो जाएगा, जैसा मैंने कहा ओवर क्राउडेड क्लासरूम में। फिर इकोनॉमिकल, देखो जब हम लोग क्लास का डेकोरम करते हैं और क्लास में बहुत सारे एड्स की रिक्वायर्ड होती है, मगर इसमें ऐसा कोई सामग्री काम में नहीं आती, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसमें टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट होती है, उसके माध्यम से ट्रांसलेट बताया जाता है। तो इसमें हम लोग बात करें ब्लैक बोर्ड हुआ, डस्टर हुआ और चौक हुआ इत्यादि दो तीन चीज़ें जो है वही उपयुक्त हो जाती है, तो ये कह रहा है कि एक इकोनॉमिकल भी है, साथ ही स्टूडेंट्स का मदर टंग के माध्यम से उसको इंग्लिश सिखाने में भी हेल्पफुल रहता है। दूसरी बात, ये प्राइमरी स्टेज के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है और यूजफुल भी रहता है। देखिएगा, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो याद रखते रहना और नोट डाउन करते रहना, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस तरह के टीचर्स बहुत ईजी वे से मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया कंट्रीज़ में अगर बात करें तो देखिएगा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो टीचर चाहिए उनकी बहुत, कहने का मतलब कमी है, तो एट दैट मोमेंट पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये वाला जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये यूजफुल भी है और साथ ही स्टूडेंट्स का जब उसकी मदर टंग के साथ आत्मसात होता है तो वो उसे जल्दी सीख पाता है, और साथ ही उसकी जो वोकअप है उसको में भी इंक्रीज़ करता है। तो अपन ने पहले देख लिया कि रीडिंग को कर रहा है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम में भी यूजफुल है, इकोनॉमिकल भी है, सेव द टाइम, हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू द हेल्प ऑफ मदर टंग। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं कि अगर हम लोग इसके डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स यहाँ देखिएगा, डोंट इन्हेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन फॉरेन लैंग्वेज। तो पहला तो इम्पोर्टेंट ये आ गया कि ये एक तो स्टूडेंट्स की फॉरेन लैंग्वेज को जो है उसको इंक्रीज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बच्चा जब ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश से हिंदी में तो उसका टारगेट ज़्यादातर नेटिव लैंग्वेज की चला जाता है, इसलिए वो फॉरेन लैंग्वेज की तरफ उसका प्रभाव नहीं होता। फिर डोंट गिव इक्वल स्टेज ऑन LSRW, ये चारों जो स्किल्स होती है, फोर स्किल्स होती है, LSRW का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन पे फोकस नहीं देता, क्योंकि ज़्यादा तो इस सिर्फ रीडिंग पे ही फोकस कर रहा है, रीडिंग और राइटिंग पे, क्योंकि स्टूडेंट से बुलवा नहीं रहा, जब स्पोकन नहीं करवा रहा तो सिंपल सर है कि जो प्रोनाउंसिएशंस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं हो पाता स्टूडेंट्स का। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं वो पेज लिटिल अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशंस, यानी कि उच्चारण पर वो इतना फोकस नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स जब और सारे जो वर्ड्स होते हैं उनका हिंदी अनुवाद भी करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी इसका एक क्या है, डीमेरिट्स है। जैसे मान लीजिए कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे दय हुआ, तो दय का हम स्टूडेंट्स को कैसे हिंदी अनुवाद करके बताएंगे? तो प्रत्येक, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हिंदी अनुवाद करने से लैंग्वेज का जो डेकोरम है वो बिगड़ जाता है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। तो ये वाला भी पॉइंट हमें याद में रखना है कि ये हर प्रत्येक वर्ड का हिंदी अनुवाद भी नहीं हो सकता, फिर ये चारों स्किल पे बराबर फोकस नहीं कर रहा, फिर स्टूडेंट्स की वो एबिलिटी भी डेवलप नहीं हो पा रही जो कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश सोचेगा बोलेगा तो डेफिनेटली कि उसका वोकअप उसी तरह से स्ट्रांग होगा, अगर इंग्लिश में वो सोच करके जवाब देगा तो टारगेट लैंग्वेज पर इसका फोकस कम हो जाता है। फिर हमने बताया कि स्टूडेंट्स की जो
बोलने की क्षमता या एबिलिटी जो है स्पीकिंग की, उस पर फोकस नहीं दे रहा, तो फिर वोकब भी क्या स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, और फिर हायर क्लासेस के लिए भी इतना यूजफुल नहीं है, ये ज़्यादातर प्राइमरी लेवल पर ही है जहाँ तक कि उपयुक्त है, जैसा कि मैंने बताया कि पॉपुलर भी वहीं है और ज़्यादातर वहीं तक उपयुक्त होता है। तो ये है, फिर ये ग्रामर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ज़्यादा ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स पे फोकस ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या वो बोरिंग महसूस करते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसमें एक तरह से पैसिव लिसनर होते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स ओनली उसको सुन सुन रहा है, तो उसमें क्या एक पैसिविटी आ जाती है, और जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बराबर अगर इंटरेक्ट नहीं होगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा सीखने का, यानी कि जो हम लोग सीखने की एबिलिटी होती है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये भी इसका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि ये कहने का मतलब स्टूडेंट्स जो इसमें पैसिव लिसनर हो जाते हैं, इस वजह से भी ये इसका डीमेरिट है हमारे सामने। तो ये हमने यहाँ पे पढ़े, इसके डीमेरिट्स पढ़े, अब इसके प्रोसीड्यूर्स के बारे में पता करते हैं। तो देखो, सबसे पहले टीचर जो होता है वो रिसाइट करता है सेंटेंस, फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता है, फिर अनफेमिलियर वर्ड को ब्लैकबोर्ड पर लिखता है, फिर एक्सप्लेन करता है रूल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।